पे दिया था। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट ने डालमिया को लाल किला दिया, डालमिया ने सबसे पहले दिल्ली के जितने भी कमल उनसे एक अपील करी कि भाई आपको यहाँ आना है आओ, आपको यहाँ प्रेम करना है करो, चुम्मा चाटी करनी है करो, लेकिन डालमिया का मतलब गलत मत निकालना। देखो ये जैसे आपने आवाज निकाली ना और आप गलत जगह है, आप गलत यहाँ सरकैज़म ढूंढे ऑर्गेज़म कहीं और। तो उसके बाद क्या हुआ, संबित पात्रा जो बीजेपी में सबसे कम बोलता है तो उस बंदे ने क्या कहा, बात अगर समझ में आई तब हंसना उठा लीजिए जरा। संबित पात्रा ने कहा कि भाई जितनी भी चीजों के नाम हमारे देश में लाल से शुरू होते हैं वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, वो भाई लाल किला हो या लाल कृष्ण आडवाणी, हर एक चीज को लीज पे देंगे। आडवाणी जी डरे डरे और विजय माल्या इस बात से गुस्सा हो गया कि यार बिजनेसमैन तो हम भी है, हमें दे देते लाल किला। सरकार ने कहा नहीं नहीं यार, आप लाल किला लंदन नहीं ले जा सकते थे इसलिए। तो उसका जवाब सुनना विजय माल्या का क्या था कि भाई साहब आप एक बार लाल किला मुझे देके तो देखो, अगर कुतुब मीनार सहित लंदन में न ले गए तो मेरा नाम बदल दो, क्योंकि वो भी बड़े चोर है। हाँ दूसरा, हाँ एक और श्री श्री 1008 स्वामी वो कौन थे, बाबा राम रहीम। मुझे लगता है कि ये खुद की सोच है, किसने बोला है राम रहीम, आपने, अच्छा मैसेंजर मैसेंजर ऑफ गॉड, ध्यान से देखो आदमी अगला आदमी ये। मुझे ऐसा लगता है मेरी खुद की सोच है कि जिस तरह मोबाइल और इंटरनेट से बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, उसी तरह अश्वगंधा और शिलाजीत खा के बाबा लोग। मतलब जिस उम्र में बुजुर्ग आदमी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेके हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, ये पट्टा शिलाजीत खा के गुफा और सुरंग से और आपको अगर पता होगा जब ये सुनहरी जेल में गया था हरियाणा की, तो इसको माली का काम दिया था, पता आप सबको, इसको माली का काम दिया था कि पौधे छांटने हैं तुम्हें, ऐसे फूल छांटने हैं काटने हैं। इसको प्रशासन ने एक चीज और बोली थी, बोला बाबा माली का काम कर रहे हो लेकिन कच्ची गलियों से दूर रहे। चलो दिल्ली की बात कर लेते हैं, जिसमें सब लोग प्रताड़ित है दिल्ली की एक चीज से, ऑटो वाले से सब लोग फ्री हैं। वैसे ओला उबर ने बहुत कोशिश करी है हमारे नरक जीवन को स्वर्ग बनाने की, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर, दिल्ली में कहीं कहीं वो चलते हैं, एक जो ग्रामीण सेवा बोलते हैं ना जिनको, वो एक छोटे से ऑटो में पट्टा फंसा लेते हैं, वो आदमी को मुर्गे की तरह भरते हैं कि अंदर चल। मैंने कहा यार मेरे पैर आदमी के, मुर्गे के नहीं है भाई, अंदर भरते हैं वो भाई साहब। सड़क से सवारी इतनी तेज उठाते हैं जैसे किडने पर टारगेट उठाते हैं ना अपना, आप खड़े हाथ दे दो आप एक मिनट में पाओगे आप अंदर। कि तेज टारगेट, मतलब मुझे ये लगता है जो लोग पहले किडनैप करते थे उन्होंने बाद में ऑटो खरीद लिया, क्योंकि मोदी जी ने बोला 15-15 लाख दे रहा हूँ, तो इस झांसे में उन्होंने ऑटो खरीद लिया। अब उनके दिमाग में टेंशन वही है कि 15 लाख नहीं मिले, ऊपर से ये काम करना पड़ रहा है। तो किडनैपर का एक उसूल होता है, एक रूल होता है, वो जैसे टारगेट उठाया ना अंदर लिया तो फेस देखते हैं, अच्छा ओ यार गलत टारगेट उठा लिया। अंगूठी चैन की बात, मैं खड़ा था एक दिन खानपुर में, तो मैंने हाथ दिया, हाथ देने से पहले ही वो तो हाथ पकड़ के उठा गया मुझे, फिर मेरे से पूछा साकेत, मैंने कहा नहीं मालवीय नगर, तो अंगूठी ऐसे फेंक दिया। दिल्ली मेट्रो फोटो के बाद चल रहे दिल्ली मेट्रो, एक और चलो वो नहीं सुनाते यार, आयुर्वेदिक नहीं रहेगी। दिल्ली मेट्रो में आप कभी भी सफर करो ना, एक तो सैटरडे संडे ऑफ के बाद जब मंडे ऑफिस जाता है ना आदमी, तो वो ऐसा रहता, ऐसा देखता लोग, ऐसा लगता है चार मातम करके आया पांचवे में जा रहा है, ऑफिस नहीं जा रहा वो बंदा। तो आप क्या करते हो, दिल्ली मेट्रो का माहौल ऐसा होता है, एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो इंग्लिश नोवेल खोल के बैठा, उस हराम खोर को आप हुड्डा सिटी सेंटर तक चले जाओ, उसका पन्ना नहीं पलटा, उसे इंग्लिश मार, पन्ना नहीं पलटेगा। और सबसे अच्छी बात पता है कि मैं खड़ा मेट्रो में, तो मैंने क्या करा, हम ना एक आइडिया लगा लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, जो भी ऐसे करवट से बदलता है ना मेट्रो में, ऐसे करता प्यार बदलता, तो हम आइडिया लगा लेते हैं, अच्छा ये पुल मुला रहा है इसका तो उठेगा। एक अंकल ऐसी थे, हरकतें कर रहे थे, पुल मुलाना बाद में बताऊंगा।
तो वो ऐसे कर रहे थे, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो मेट्रो में यार कुछ लोग खड़े होकर सोते हैं ऐसे ऐसे, मुझे समझ में नहीं आता लोग खड़े होकर कैसे सो जाते हैं। तो मैंने क्या कैलकुलेट करा, यार अंकल ये हरकत कर रहे हैं ये उठेंगे, इधर वाला बंदा सोया हुआ है, इधर वाला मोटा है, ये एक्टिव नहीं है, तो अपन तो यहाँ फंसा लेंगे अपना पिछवाड़ा। जैसे अंकल हटेंगे, तो जैसे अंकल उठे, वो जो स्लीपर सेल सोया हुआ था वो एक्टिव हो गया। और इससे पहले मैं कुछ कर पाता, बंदे का 50 किलो का पिछवाड़ा उस सीट पे रखा था और मैं ऐसा ठगा हुआ महसूस कर मैंने कहा यार क्या हुआ, यार ये हुआ कैसे? और वो इतना बड़ा हरामखोर होता है, वो जो बंदा सोया ना वहां, वो सीट पे बैठ के भी ना सोता ही रहेगा, ऐसे सोता रहेगा सोता रहेगा। और जैसे ही उसका स्टेशन आता ना, अगला स्टेशन राजीव चौक, उसकी इंद्रिया जागृत हो जाती है, वो तुरंत आंख खोलेगा, ज़ॉम्बी की तरह ऐसे चलता है। वो हराम को सोता इसीलिए किसी को सीट ना देनी पड़े। मैं और अभी राजीव चौक पे पिछले दिनों एक फिल्म चली थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं कौन सी फिल्म चली थी, पता है। तो अब अनाउंसमेंट में सोचता हूँ और कैसी होती होंगी कि अगला स्टेशन राजीव चौक, वो वाली फिल्म देखने के लिए। और मेट्रो में सबसे अच्छा लगता मुझे कपल, मुझे उनसे बड़ा प्यार आता है। एक तो सीट की मोमाई से दूर होता है, वो यहाँ रो खड़ी है ना ऐसे, एक इधर खड़ी है लाइन, एक इधर खड़ी है, वो जो दीवार होती है ना वहां सट के खड़े होते हैं। उन्हें पता है यार अगर इसे सीट मिलगी तो मुझे नहीं मिलेगी, मुझे मिलगी तो इसे नहीं मिलेगी। एक काम करते कोना पकड़ते वहीं अपनी बातें चलते, मेट्रो में ही होता है। और उससे मुझे याद आया रिलेशनशिप जब किसी आदमी का शुरू होता है ना, लड़के लड़की का, तो लड़की उस रिलेशनशिप की होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सारा हिसाब रखती है। पता डाली हमने फर्स्ट किस कब किया था, पता पहला हक कब किया था, और हम पता पहली बार सीसीडी कब गया। लड़के को इस बात से कोई मतलब नहीं कि पहला किस कब किया था, वो ये बोलती अगला कब होगा। मतलब क्या हुआ डार्लिंग भूल जाओ, अगला कब और कहाँ है वो बता। तो लड़का तो बस प्यार कर रहा होता, मजे ले रहा, और लड़की पूरी डिटेल में जा रही। इस सीन को रिवर्स करो, जैसे ही ब्रेकअप हुआ ना, लड़की हो जाती है उस मोबाइल की तरह जो फॉर्मेट हो चुका है, क्या फर्क नहीं। और लौटना हो जाता है वो वाली कार जिसके सिर्फ बैक गियर लगते हैं, वो उसको याद दिलाता है। जब हमने फर्स्ट किस किया, मैंने ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, मुझे बात छीन ही सुनो, उससे भी ज्यादा चाहिए। तो उसको लड़की को ना रिमाइंड करा था, डार्लिंग पता है जब हम फर्स्ट टाइम मिले तुमने फर्स्ट किस किया था, ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई, पता है मुझे बाद में पता चला तुमने कच्ची पेंसिल दांतों से छीन। तो ये होता है रिलेशनशिप में ना, लड़की पूरी तरह फॉर्मेट हो जाता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, और हम लोग फिर डार्लिंग ये डार्लिंग वो यार ये सब चलता रहता है। हमें ना अपनी बातें हमेशा ऊंची रखने की आदत है, बड़ी रखने की आदत है। मेरे पिताजी का एक दोस्त घर आया, बोला चौधरी साहब मेरा 5 लाख का टॉयलेट है, दूसरा बोला मेरा 10 लाख का। पिताजी को बात चुप गई, दिल पे बोले मेरा 50 लाख का टॉयलेट है। बोला जी 50 लाख का? बोला हाँ। बोला खेत में जाता हूँ ना। बोला चौधरी साहब आपको शर्म नहीं आती, मोदी जी ऐसे प्रोग्राम चला रहे, बहु बेटियां दूर में जाए शौचालय घर में बनवाए, और आप खुले में जा रहे। बोला खुला नहीं खेत कवर। बोला कवर में तो? बोला गन्ने के खेत में। एक दिन मेरे पिताजी सुबह सुबह ऐसे चल के आ रहे, मैंने कहा पापा क्या हुआ? बोले यार एक छोटा गन्ना था।